नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीए सेंटर में। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि भारत देश का पहला 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे क्षेत्र कौन सा है? आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत देश का पहला 100% विद्युतीकरण वाला एक क्षेत्र बन चुका है, वो कौन सा बना है? अच्छा, बात आई है ट्रेन की, तो कुछ जानकारी मैं आपको ट्रेन के बारे में दे दूं। आप देखिए, इस प्रकार से एक ग्लोब 0 डिग्री है, भारत देश है। यहां पर एक देश, इस देश का नाम ब्रिटेन। विश्व का पहला देश ब्रिटेन देश है, जिस देश ने 1825 में विश्व की पहली ट्रेन की शुरुआत की थी, यानी फर्स्ट ट्रेन की शुरुआत मैनचेस्टर शहर में ब्रिटेन में हुई थी। जैसे भारत देश में 1853 में 16 अप्रैल को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में देश की पहली ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ये हुई थी 34 किलोमीटर मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। आपको ये याद होगा, ये मुंबई है, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर ट्रेन चली हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसीलिए 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेलवे दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में राष्ट्रीय रेलवे सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह हो गई यात्री गाड़ी की। उसी प्रकार यदि हम बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो मेट्रो में आप लोग बैठे कि नहीं बैठे? मेट्रो ट्रेन जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, मेगा सिटी है, 50 लाख से ऊपर जनसंख्या वहां निवास कर रही है, ऐसे क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करने के लिए जमीन के अंदर से या ऊपर से ट्रेन को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसी व्यवस्था वाला जो होता है क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन जो होती है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? याद रखिए, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर ये है ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश में 1925 में विश्व की पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी, और ये है भारत देश। भारत देश में मेट्रो की शुरुआत साथियों यहां पर देखना, कलकत्ता, कलकत्ता 1984 में हुई थी, दमदम से टालीगंज के बीच में 1984 में हुई थी कलकत्ता में, दमदम से टालीगंज के बीच में। विश्व की पहली ब्रिटेन में, और भारत की पहली होगी कहां पर? तो कलकत्ता में। वही बात करेंगे हम बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन की शुरुआत कहां पर हुई है? आप देखना ये ग्लोब 0 डिग्री भारत देश। आप देखिए, सबसे पहले आपने देखा यात्री गाड़ी, ये है मेट्रो, और ये है बुलेट ट्रेन। ये है जापान देश, और जापान देश विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने जहाज का निर्माण किया हुआ था, जलयान का निर्माण किया हुआ था, और विश्व का पहला देश जापान देश ही है जिसने की ट्रेन की शुरुआत की है बुलेट ट्रेन के नाम से। तो ये 1914 में शुरू हो गई है। और आप देखेंगे तो जापान देश ने विश्व में पहली बार ट्रेन की शुरुआत की है बुलेट, जिसकी स्पीड है 403 किलोमीटर पर आवर। इसी की रूपरेखा भारत देश ने चालू किया है, और भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। कहां से कहां? तो ये देखिए, ये है गुजरात और ये मुंबई का क्षेत्र। तो गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 2028 में ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी बुलेट ट्रेन, यानी इस रूट पर अब बुलेट ट्रेन चलेगी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। देश की पहली बुलेट ट्रेन की सौगात हो चुकी है। इसके लिए 87,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने लोन लिया है, जापान देश से लोन लिया है, और इसको 50 साल में वो वापस करने वाला है। फिर से चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। क्वेश्चन था 100% विद्युतीकरण वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ट्रेन किस किस माध्यम से चलती है? कोयला से चलती होगी, डीजल से चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इन तीनों माध्यम में से कोयला वाला माध्यम लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है, डीजल वाला भी लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ट्रेन है ये लगातार सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन अब 100% किस क्षेत्र में हो गई है? आप यहां देखेंगे, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। साथियों ये है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में यहां पर देखना आप, ये है महाराष्ट्र, और यहां पर ये है कर्नाटक। तो आप देखेंगे
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच वाले भाग को हम कहते हैं इसको कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में हुई थी, कोंकण रेलवे एक्सप्रेस 1990। तो देश का पहला क्षेत्र मुंबई से कर्नाटक के बीच में 741 किलोमीटर क्षेत्र जो है, ये देश का पहला ऐसा क्षेत्र बना है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो चुकी है। तो ये महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक का ठोकुर, याद रखना रोहा से ठोकुर के बीच में, रोहा और ये है ठोकुर, ठोकर का भाई ठोकुर, रोहा से ठोकुर के बीच में 741 किलोमीटर ये ट्रेन चल रही है। 100% विद्युतीकरण वाला कोई क्षेत्र हुआ है तो ये है पश्चिमी घाट का रोहा से ठोकुर वाला क्षेत्र। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके लिए 1287 करोड़ रुपए खर्च आने मतलब आए हुए हैं। 1287 करोड़ रुपए की लागत से रोहा से ठोकुर के बीच में ट्रेन चली है। तो यहां तक का क्वेश्चन में आ गया है। अब अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। कल तक के लिए आप सभी का